आप हमारे बारे में, किसानों के बारे में आप क्या दिखा रहे हैं? किसानों को आतंकवादी दिखाते हैं लोग। आप हमारे किसानों को आतंकवादी दिखाते हो? आप लोग हमारे किसानों को आतंकवादी कहते हो, नक्सली कहते हो? दंगे भड़काने का काम करने का काम दुनिया में नंबर वन चैनल, हिंदू मुसलमान का दंगा करवाना हो इस चैनल में संपर्क करो। इजाजत नहीं है अंदर जाने की। अलाउ सब अलाउ, याद रखो। सरकार किसकी यहाँ चल रही है, किसका पासपोर्ट लगेगा, किसका वीजा लगेगा? डरो मत, डरो मत। आप बोलो क्या लगता है आपको? सर मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है? आप प्रेस वाले हो, क्या लगता है आपको? जी न्यूज़ भारत के पुराने न्यूज़ चैनलों में से एक है। जी न्यूज़ को देश में काफ़ी लोग देखना भी पसंद करते हैं, पर पिछले कुछ समय से न्यूज़ मीडिया का निशाना सरकार के जगह विपक्ष बन चुका है। इन सब में जी न्यूज़ भी एक है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद जी न्यूज़ को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। अगर किसानों के मुद्दे से शुरू करें तो जी न्यूज़ पर उनके बारे में काफ़ी कुछ बोला गया, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग या खालिस्तानी, जिसके बाद जब इनके रिपोर्टर ग्राउंड पर गए तो किसानों ने उन्हें भगा दिया। जब जी न्यूज के रिपोर्टर ने उनसे बात करने की कोशिश की तो किसानों ने उन्हें सच दिखाने को कहा और गोदी मीडिया के खिलाफ नारे भी लगाए। और मेरा बोलने का अधिकार है मैडम, मेरा भी बोलने का अधिकार है। और जितने भी जितना भी आप बोलिए, अब मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू लीजिए। अब मैं दम है इंटरव्यू लेने का मेरा, मेरा लो ना, मेरा भी आपकी। आप हमारे को क्या सोचते हो मैडम? आप हमारे को क्या सोचते हो? ये मेरा भी अधिकार है मैडम। आप हमारे बारे में, किसानों के बारे में आप क्या दिखा रहे हैं? किसानों को आतंकवादी दिखाते हैं लोग। आप हमारे किसानों को आतंकवादी दिखाते हो? आप लोग हमारे किसानों को आतंकवादी कहते हो, नक्सली कहते हो? चिल्लाएंगे मैडम, आप भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो, आप भी चिल्ला चिल्ला कर पूरे देश में साबित करना चाहते हो कि ये लोग नकली हैं। आप नकली बोलते हो उनको, इनको देशद्रोही बोलते हो। आपका जी न्यूज पूरी तरह से बहस है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद। जी न्यूज वापिस जाओ। जब यूपी के हाथरस में घटना हुई थी तब भी जी न्यूज का रिपोर्टर ग्राउंड पर इस घटना के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों से बात करने पहुंचे तो लोगों ने चैनल को बुरा बताया और गोदी मीडिया के विरोध में नारे भी लगाए। ये देखिए जी न्यूज है, दंगे भड़काने का काम करने का काम दुनिया में नंबर वन चैनल, हिंदू मुसलमान का दंगा करवाना हो इस चैनल में संपर्क करो। इस चैनल को पूरे देश में बर्बाद कर रखा है, पूरे देश में आक्रोश फैला रखा है। इससे मुद्दों की जरूरत नहीं है, किसानों की जरूरत को इतना ही नहीं, जब शाहीन बाग में सरकार द्वारा लाए कानून CAA को लेकर विरोध हुआ और लोग धरने पर बैठे थे तब भी मीडिया की ओर से इसको बदनाम करने की कोशिश हुई। जब शाहीन बाग में गोदी मीडिया की एंट्री बंद हुई तब बड़े एंकर जिसमें सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया बात करने पहुंचे तो उन्हें भी शाहीन बाग में आने से रोका गया। इजाजत नहीं अंदर जाने की। अलाउ सब अलाउ, याद रखो। सरकार किसकी यहाँ चल रही है, किसका पासपोर्ट लगेगा, किसका वीजा लगेगा, कौन सा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ चलता है, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट अलग है, यहाँ इजाजत देनी पड़ेगी अंदर आने की। हम लोग चलते हैं, मुझे लगता है चलना चाहिए। हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भैया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग जा रहे हैं।
हम आपकी बात देश के सामने रखना चाहते हैं, हम आपकी बात देश के सामने रखना चाहते हैं। आप बात क्यों नहीं करना चाहते, आप बात क्यों नहीं करना चाहते बताइए तो। चलो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, ऐसी लड़ाई मत लड़िए। मेरा सिर्फ इतनी गुजारिश होगी और फिर हमको अब चलना चाहिए। मुझे लगता है कि एक वीडियो राहुल गांधी का भी है, पुराना है पर मजेदार है। जब जी न्यूज का रिपोर्टर राहुल गांधी से सवाल करने पहुंचा, तब राहुल गांधी ने उस रिपोर्टर का ही मजाक बना दिया। आज शायद ये डरे नहीं है तो इन्होंने अच्छा सवाल पूछा मुझसे। क्या ये स्पेशल प्रेस वाले हैं जो बहादुर है? क्या नाम है आपका भैया? नाम बताओ, डरो मत, डरो मत, नाम बताओ, गौरव पटेल। गौरव पटेल जी है, बहुत बहादुर है, मोदी जी से डरते नहीं है, अमित शाह जी से डरते नहीं है, और बहुत अच्छा सवाल पूछा। फिर से पूछिए, आपको क्या लगता है कि ये जो छोटी सी कंपनी थी, क्या नाम है उनके बेटे का? जय शाह जी की, जय शाह जी की जो कंपनी थी छोटी सी, उसमें 50,000 रुपए थे, उसने 2014 के बाद 80 करोड़ रुपए हो गए, आपको क्या लगता है कैसे हुए? डरो मत, डरो मत, आप बोलो क्या लगता है आपको? सर मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है? आप प्रेस वाले हो, क्या लगता है आपको? क्या ये नॉर्मल बिजनेस से हुआ क्या? नॉर्मल बिजनेस से हुआ क्या? आप इसे हिला रहे हो? ये तो थी कुछ वीडियोस जिनमें जी न्यूज के पत्रकारों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।